रायर कृष्णा राधे राधे आइए जानते हैं 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार का पंचांग सूर्योदय होगा सुबह पाँच बज के उनसठ मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छः बज के बयालीस मिनट पर चंद्रोदय होगा रात्रि आठ बज के बाईस मिनट पर चंद्रास्त होगा सुबह आठ बज के चौदह मिनट पर तिथि रहेगी तृतीया रात्रि आठ बज के उनचास मिनट तक उसके उपरांत चतुर्थी लग रही है नक्षत्र रहेगा उत्तर भाद्रपद दोपहर बारह बज के तीस मिनट तक उसके उपरांत रेवती योग रहेगा सूल सुबह नौ बज के बाईस मिनट तक उसके उपरांत गंड करड़ रहेगा वरिच सुबह दस बज के पंद्रह मिनट तक उसके उपरांत विष्टि रात्रि आठ बज के उनचास मिनट तक उसके उपरांत बवार रहेगा शनिवार पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह चार बज के उनतीस मिनट से सुबह पाँच बज के चौदह मिनट तक प्रतः संध्या सुबह चार बज के बावन मिनट से सुबह पाँच बज के उनसठ मिनट तक अभिजीत मूर्त होगा सुबह ग्यारह बज के पचपन मिनट से दोपहर बारह बज के मिनट तक विजय मूर्त होगा दोपहर दो बज के मिनट से दोपहर तीन बज के उन्नीस मिनट तक गोधुली मूर्त होगा शाम को छः बज के मिनट से शाम को सात बज के मिनट तक सायन संध्या मूर्त शाम को छः बज के मिनट से शाम को सात बज के पचास मिनट तक अमृतकाल होगा सुबह आठ बज के बारह मिनट से सुबह नौ बज के अड़तीस मिनट तक निश्चित मुहूर्त होगा दो सितंबर को रात्रि ग्यारह बज के अट्ठावन मिनट से तीन सितंबर की सुबह बारह बज के तिरालीस मिनट तक अशुभ समय की बात करें तो राहु काल होगा सुबह नौ बज के दस मिनट से सुबह दस बज के पैंतालीस मिनट तक यमगंड होगा दोपहर एक बज के छप्पन मिनट से दोपहर तीन बज के इकतीस मिनट तक गुली कॉल होगा सुबह पाँच बज के उनसठ मिनट से सुबह सात बज के पैंतीस मिनट तक भी डाल योग होगा सुबह पाँच बज के उनसठ मिनट से दोपहर बारह बज के तीस मिनट तक व्रज रहेगा रात्रि ग्यारह बज के मिनट से तीन सितंबर की सुबह एक बज के तीन मिनट तक दुर्मूरत होगा सुबह पाँच बज के मिनट से सुबह छः बज के पचास मिनट तक उसके प्राण सुबह छः बज के पचास मिनट से सुबह सात बज के मिनट तक गंडमूल होगा दोपहर तो बारह बज के तीस मिनट से तीन सितंबर को सुबह छः बजे तक पंचक पूरे दिन रहने वाला है दिशा होगा पूरब दिशा यह या यात्रा हेतु देखा जाता है जिस दिशा में दिशा सूल हो उस दिशा की यात्रा त्यागना ही उचित रहता है अग्निवास होगा पाताल में रात्रि आठ बज के उनचास मिनट तक उसके उपरांत पृथ्वी में अग्नि का वास पूजा यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि में विचारा जाता है अग्नि का वास जब पृथ्वी पर हो तो यह पूजा शुभ एवं मंगलकारी मानी जाती है भद्रावास मृत्यु में सुबह दस बज के पंद्रह मिनट से रात्रि आठ बज के उनचास मिनट तक भद्रावास शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है शिव वास होगा क्रीड़ा में रात्रि आठ बज के मिनट तक उसके बाद कैलाश पर रुद्रा अभिषेक हेतु शिव का वास देखा जाता है शिव का वास जब नंदी पर गौरी के साथ और कैलाश पर हो तब यह पूजा शुभ एवं मंगलकारी मानी जाती है आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जय श्री कृष्ण